टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स इवेस चौराहा मेरठ। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। यह इस्तीफा स्वीकार होगा अथवा नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। बेहद करीबियों ने इस्तीफे की पुष्टि भी कर दी है, लेकिन आज जब मीडिया ने दिनेश खटीक से सवाल किया तो वह लगभग भागते वे बसते हुए यह कहते नजर आए कि ऐसा कोई विषय नहीं है। दरअसल विभाग व सत्ता में मनमाफी काम न होने से वे पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसका संकेत उस वक्त मिल गया था जब गंगानगर की एक घटना को लेकर उन्होंने पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर इस्तीफे की धमकी दे डाली थी। तत्कालीन SSP प्रभाकर चौधरी से भी उनकी इसे लेकर अदावत हो गई थी। हालांकि इस अदावत के पीछे सिर्फ एक यह अकेला मामला नहीं था, पर्दे के पीछे जो मुख्य किरदार निकलकर सामने आया वह है चीकू बड़ला। हिस्ट्री शीटर चीकू बड़ला दिनेश खटीक के बेहद करीबी है और चुनाव में उसने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि पिछले दिनों वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना संग चीकू बड़ला की एक फोटो विरोधी खेमे के बीच चर्चा बन गई। दिनेश खटीक, चीकू बड़ला और सुरेश खन्ना इस फोटो में एक साथ थे। मॉनिटरिंग में आने के बाद इस फोटो को चीकू ने अपनी सोशल साइट से इसे हटाना पड़ा। दिनेश खटीक बराबर चीकू के खिलाफ कार्रवाई न करने पर SSP प्रभाकर पर दिनेश खटीक दबाव बना रहे थे और प्रभाकर यह मानने को तैयार नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि प्रभाकर चौधरी ने पंचम तल में भी यह शिकायत की थी कि दिनेश खटीक हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई न हो, इसका दबाव बना रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक रहे इसके लिए प्रभाकर चौधरी को मेरठ से जरूर हटा दिया गया, लेकिन आगरा जैसे महत्वपूर्ण जिले का कप्तान बनाकर। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सरकार में खासे प्रभावशाली सुरेश खन्ना ने दिनेश खट्टी के घर जाकर यह संकेत देने की कोशिश की कि वह और सरकार अपने मंत्री के साथ हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि दिनेश खट्टी हाल ही में विभागीय तबादलों में न चल पाने के कारण भी प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से असहजता महसूस कर रहे थे और पिछले कुछ समय से CM योगी आदित्यनाथ से भी। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv की विशेष खबर। आइए दिखाते हैं मीडिया से बचकर निकलते हुए यह कहते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक कि ऐसा कोई विषय नहीं है, यानी इस्तीफे का अभी फिलहाल कोई सवाल नहीं उठता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।